हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कोई बैलून वाला जो है वाटर टब लिया है या कोई ऐसे खिलौने लिए हैं, टॉयज़ लिए हैं, जिसमें आपको हवा भरनी होती है, निकालनी होती है, तो इसका हम तरीका आपको बताते हैं। हवा निकालना तो बहुत आसान है, जस्ट आपको ये वाला नॉब खोलना है और माचिस की तिल्ली से आपको हवा इसकी निकालनी होती है, और कई बार आपको अपने इस पंचों के द्वारा दबाना भी पड़ता है। तो हमने जैसे इसमें निकाल दिया, ये अभी हवा इससे नहीं निकलती, इसको आपने बंद कर देना है। हवा भरने के बाद इसको बंद कर देना है। तो जैसे ये हमारा बंद हो गया, अभी भी थोड़ा सा लूज़ है। हवा भरना इतना बड़े टब में थोड़ा सा पैनिक काम है। जैसा ये हमारे को ये पंप मिला है, आप चाहो तो बाज़ार में ये 250 का भी मिल जाएगा। इसका जो ये पाइप का नोब है, ये इसको आपने टाइट नहीं करना होता, उसको क्लॉक वाइज लगाना होता है। और ये देखिए, ये इसका ये निप्पल है, पार्ट है, ये अलग हो जाता है, ये निकल के आप दूसरे वाला भी लगा सकते हैं। ये टॉयज के लिए होता है, डिफरेंट प्रकार के जितने भी हैं, जबकि ये वाला जो है इसके लिए है। तो आप देख लेना कि आपकी जो जो भी टॉयज है या टब है उसमें कैसा छेद हो रहा है। अगर छेद बड़ा है तो बड़े वाला लगेगा, अगर छेद छोटा है तो ये छोटे वाला लगेगा। तो बड़े वाले से ज़्यादा जल्दी हवा भरी जाएगी। अब जो है हम आपको लाइव हवा भर के दिखाते हैं। तो थोड़ा बहुत मुश्किल सा काम है ये, तो बहुत मतलब ये देखिए, तो कम से कम 15 मिनट लग गया और अब हम आपके सामने भरे हवा। तो ये हमारा लगभग भरने वाला है, तो आप जस्ट दबाते जाइए और ये आपकी हवा जो है भर जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि हवा भरने के दौरान हवा ज़्यादा ना भरी जाए, कि ये फट ना जाए। हवा कम हो तो चलेगा, पर ज़्यादा भरने से जो है ये फट सकता है। अभी भी कम है, थोड़ी सी और हम भर देते हैं। तो ये तरीका है, ये झुर्रियाँ सारी गायब हो जानी चाहिए। हमारे जैसे पिंक वाले लाइन में आप देख रहे तो बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, तो उसमें हम हवा दोबारा भरेंगे। बाकी नीले वाला और येलो वाला बिल्कुल परफेक्टली भरा हुआ है। भरने के बाद जो है ये आपने निकाल कर ये लगाना होता है। ये हम हटा देते हैं। कैसे हटा, अब शायद नहीं हटा पा रहे वीडियो में। तो ये तरीका है। तो हवा भरना जो है बहुत थोड़ा बहुत पेनिक काम हो सकता है, अगर आपका वाटर टब बहुत बड़ा है। ये भी बहुत नाजुक है, इसको आप बड़ी सावधानी से ऑपरेट करें। और इसका कोई और तरीका नहीं है हवा भरने का। तो जितना बड़ा आप टब लेंगे, उतनी ही मेहनत आपको हवा भरने में करनी पड़ेगी। फिर इसकी हवा निकालने के लिए भी आपको माचिस की तिल्ली और इसको दबाना पड़ता है, तो टाइम बहुत लगता है। और फिर इसमें जो पानी होता है उसको भी आपने गिराना पड़ता है। तो एक पैनिक काम है, बट अगर आपके पास सबमर्ज नल है तो जिसमें ठंडा ठंडा पानी आता है, तो उस केस में ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप चाहो तो हमारे दिए हुए लिंक से इस वाटर टब को ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर इसका जो प्राइस जो है 1000 के आसपास है, जबकि हमें जो है ये ऑफलाइन स्टोर में 1500 या 1600 के आसपास विद पंप मिला है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।